प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल में बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को दोनों देशों के बीच निकट और महत्वपूर्ण संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने की इच्छा व्यक्त की। पिछले साल दिसंबर में नेतन्याहू के सत्ता में लौटने के बाद दोनों नेताओं के बीच फोन पर दूसरी बार बातचीत हुई। इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई है। पीएमओ के इस बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने इसराइल और भारत के बीच करीबी और महत्वपूर्ण संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के क्षेत्र में देशों के बीच सहयोग को और गहरा करने की इच्छा व्यक्त की है। मोदी ने 11 जनवरी को बातचीत में नेतन्याहू को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी और दोनों देशों के बीच निरंतर सहयोग के महत्व पर जोर दिया गया। नेतन्याहू ने पिछले साल 29 दिसंबर को छठी बार इसराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। पिछली बातचीत के दौरान मोदी ने नेतन्याहू को पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि पर भारत आने के लिए आमंत्रित किया था। पीएम मोदी जुलाई 2017 में इसराइल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने इसराइल के साथ कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए। भारत और इसराइल पुराने दोस्त और सहयोगी देश हैं। इसराइल ने कई मौकों पर भारत की मदद कर अपनी दोस्ती को साबित भी किया है।